उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब उत्तराखंड के 3 युवकों और उत्तर प्रदेश के 2 युवकों को दुबई में बंधक बनाने का एक नया मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 2 माह पहले 2 एजेंटों ने अमित दिलशाद और मोहसिन को दुबई भेजा था। एजेंटों ने दुबई के एक कंपनी में 5 युवकों को कारपेंटर के रूप में काम दिलाने का वादा किया था, लेकिन वहां पर उन्हें कारपेंटर का काम नहीं मिला और कंपनी के अधिकारियों ने सभी युवकों के पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। वहीं इस मामले पर बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने लोगों से अपील की है कि विदेश भेजने वाले एजेंटों की धोखाधड़ी में ना फंसें, पहले पूरी जानकारी लें, उसके बाद ही विदेश का दौरा करें। वहीं अब युवकों के परिजनों ने विदेश मंत्रालय और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर युवकों को वापस बुलाने की गुहार लगाई है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पौने 2 महीने हो गए परविंदर के, हाँ परेशानी हो रही है। काम कंपनी के द्वारा भेजा, फांस दिया ठेकेदार के द्वारा। आपकी कहा मेरा बच्चा आ जाना चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, मैं भी बस मुझे जो विनती है, परेशान है हूँ पे, उसे भी रोटी नहीं मिल रही। हाँ, प्रशासन वैसे लगातार ऐसे एजेंट जो लोगों को विदेश भेजने का काम कर रहे हैं इनलीगल तरीके से, उन पर शिकंजा भी कस रहा है और लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन जो विषय आया है उनके दुबई में फंसे होने का, और जो मुझे ज्ञात हुआ है तो उनके परिवार से बातचीत करके और उनकी हर संभव मदद करी जाएगी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी इस मामले से अवगत कराया जाएगा, और हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं जो केंद्र में रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री भी हैं, उनके माध्यम से भी इनकी हर संभव मदद की जाए।